हेलो वेलकम स्टूडेंट, यू आर वाचिंग अ मैथमेटिक्स क्लास ऑन एक्सरसाइज एक्सपेंशन फ्रॉम क्लास 9th बुक एमएल अग्रवाल। ओके, तो दिस इज माय थर्ड क्लास ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज रिटन ऑन अ व्हाइट बोर्ड, सी हियर, बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी यू हैव टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो आपको इसमें कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, 103 होल क्यूब। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू शैल मल्टीप्लाई 103 बाय 3 टाइम्स, दिस इज नॉट सो। ओके, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है। तो आप देखोगे ये जो है 103 का क्या बना दिया मैंने, 100 प्लस 3 क्या हो जाएगा, होल क्यूब। अब आप साफ दिखाई दे रहा है कि ये कौन से फॉर्मूला में जा रहा है, ए प्लस बी होल क्यूब। तो ये हमारा ए है, तो ये हमारा क्या है, बी है। तो आपको पता होना चाहिए We know, क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस। तो a हमारा क्या है 100, b हमारा क्या है 3 होल क्यूब। तो a क्यूब ठीक है प्लस बी क्यूब प्लस 3 × 100 × 3 100 + 3। ओके, तो कितना आएगा देखो, 100000 प्लस 27 प्लस 900 103। ओके, तो आप देखोगे कितना आगे देखो, 100000 प्लस, तो हम एंटर करते हैं 00 9 3 27 900 2 9 1 9। तो 927 मीन अगर मैं इसको ऐड करता हूँ क्या आएगा देखो, 09 2 9 2 7 0 0, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे क्या लिखा देखो, 99 होल क्यूब। तो 99 होल क्यूब को हम 90 प्लस 9 होल क्यूब नहीं बनाएंगे, तो इससे हमारा काफी टाइम वेस्ट होगा। तो उससे आसान तरीका क्या है, आसान तरीका है मीन 100 - 1 होल क्यूब। तो ये कौन से फॉर्मूला में आता है, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में। तो अब आ जाओ ए माइनस बी होल क्यूब का, मैं बी नो ये ए प्लस बी होल क्यूब था, ठीक है, वैसे अगर मैं ए माइनस बी होल क्यूब लिख दूं तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप लिख लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ओके, तो कितना आ गया देखो, 26। तो 26 में हमें क्या लिखा, 2a - b + c = 0, ये हमारा दिया हुआ है। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन में लिख देता हूँ गिवन, तो यहाँ गिवन क्या है देखो, 2a - b + c = 0। आपको प्रूव करना है, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो गुड, ये जो 27 है, 10927 ये 27 है, तो 27 आ जाएगा। गुड, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो 2a - b + c = 0, तो आपको ये प्रूव करना है। ओके, टू प्रूव, तो मैं इसको टू प्रूव लिख
लिखता हूँ यहाँ टू ग्रुप में क्या लिखा रहता हूँ 4a² - b² + c² + 4ac = 0। तो मैं प्रूफ करने जाऊंगा तो आप देखोगे तो आपको पहले ये दिमाग में रखना है कि 4a² फिर b² फिर c² यहाँ पे क्या लिखा है 4ac। इसका मतलब आप ये सोचिएगा कि a और c को मैं एक तरफ कर दूंगा, b को मैं साइड चेंज कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा दिया है तो इसको हमने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बोला a और c को लेफ्ट साइड में रख लेते हैं और b को मैंने कहाँ ले गया, राइट साइड में ले गया। ओके, अब आप देखो, अब आपको जो प्रूफ करना है यहाँ पे a² b² लिखा होगा, या तो a + c है, तो ये स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे होल स्क्वायर। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो भी मेरा क्या आंसर आएगा, देखो आपको पता चल गया a + b² इसका क्या फॉर्मूला आएगा, a² + 2ab + b². ओके, तो ये हमारा आ गया। लेकिन हमें जो प्रूफ करने के लिए कहा है कि बी स्क्वायर जो है वो कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में। अगर जो राइट साइड में जो बी स्क्वायर है इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा, लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, प्रूफ। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ओके, क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ना है। तो क्या आपको दिया है, क्या आपको निकालने को कहा है, उसी को टारगेट लेके आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ओके, देन आई होप सो यू विल डू इट एट होम एंड अगेन वी विल मीट यू सून। देन बाय बाय।